मनोज तिवारी, समर्थक आपके नारा लगा रहे हैं, लेकिन पार्टी खुल के नहीं कह रही है। नहीं, अब की बारी मनोज तिवारी अध्यक्ष। तो अध्यक्ष ही बने रहेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? नहीं, मनोज तिवारी अध्यक्ष तो है ना। हाँ, वो तो वही है, वो तो सब जान ही रहे। तो अब की बारी मनोज तिवारी अपने अध्यक्षता में चुनाव लड़ रहा है, और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। अरे वो तो मालूम है, लेकिन जो समर्थक होता है पीछे नारा लगाता है, वो कहता है अब की बारी, उसके मन में तो ये अब की बारी मनोज तिवारी और मुख्यमंत्री की। नहीं तो नहीं, नहीं वो कह रहा है कि अब की बारी मनोज भैया प्रदेश अध्यक्ष है, एक पूर्वांचल समाज के व्यक्ति को अपने सबका साथ सबका विकास के तहत भारतीय जनता पार्टी ने लीड करने का मौका दिया है, और पूर्वांचल के लोग सबको जोड़ लेते हैं। ये आपको लगता है खुल के अगर बोला होता तो फायदा मिलता? ये पूर्वांचल के लोग सारे मिल गए होते सब कुछ? नहीं, ये तो पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हमारा इस समय हम कमल को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, उन्होंने उनकी रणनीति बताता हूं मैं, आम आदमी पार्टी की। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का जितना वोट है केजरीवाल जी कह रहे हैं वो सब मेरे पास। हाँ, इसलिए है कि वो कहते हैं 500 रुपया का टिकट लेके आते हो तुम लोग और दिल्ली में फ्री इलाज करा के चले जाते हो, बोझ बन जाते हो, तो इसलिए उनको वोट मिलेगा। वो पूर्वांचल के लोगों को वोट बोझ समझते हैं। मैंने जो भी बाहर से आया है, चाहे उत्तरांचल से आया हो, चाहे हिमाचल से आया हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ बंगाल से आया हो, मध्य प्रदेश से आया हो, वो यह बोझ है उनके लिए। पहली बार किसी मुख्यमंत्री का इतना नफरत भरा बयान आपने सुना होगा, आपने सुना है ना? तो कोई बात नहीं भाई, पूरब के लोग तो बड़े विशाल हृदय के हैं, वो डूबते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज के साथ भी भारत को एक विश्व फलक पे दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ दिल्ली बनते हुए होने का पूजा करते हैं। एक स्ट्रेटेजी बनाई, शायद पहली बार हो रहा है कि चुनाव में बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का फेस नहीं हो रहा है दिल्ली में, जहां तक बात करें। सबसे पहले नाम था, उससे पहले तीन बड़े बड़े नाम होते थे, खुराना जी, सुषमा जी, साहिब सिंह साहब, तो इन नाम थे। लेकिन इस बार नाम ना होने से बार बार हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो कुछ ना करें, कोई सवाल जवाब ना दे, ये बता दे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, इसमें एक बात तो तय है कि लोगों को और खास तौर से वो जो आम आदमी पार्टी को भी लग रहा है कि बीजेपी की सरकार तो बन रही है, भाई मुख्यमंत्री का नाम बता दो। तो हम भी यही कह रहे हैं कि आपने 4.5 साल तक गाली दिया मोदी जी को, आपको एक 5 साल का मौका मिला आम आदमी पार्टी को दिल्ली को संवारने का, उन्होंने कितनी बातें कही, 500 नए स्कूल बनाएंगे, एक भी नया स्कूल नहीं बना, 20 नए कॉलेज बनाएंगे, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना, कहीं वाईफाई नहीं लगी, एक भी नई बस नहीं आई, 100 बस लाए भी अगर 5 साल में, 5,000 बस लाने का बोले थे प्रतीक भाई, 100 बसें लाए भी तो क्लस्टर बसें, क्लस्टर होती हैं भाड़े की बसें, किसी कंपनी ने खरीद के लाए हैं। 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं दिल्ली में, उनको कहा था आपको परमानेंट कर देंगे, गेस्ट टीचर लोग सबको परमानेंट कर देंगे, डीटीसी कर्मचारी सबको परमानेंट कर देंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वाला है सबको परमानेंट कर देंगे, सब 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं। अब सब दर दर भटक रहे, नौकरी जा रही उनकी, बोले थे सारे मस्ट रोल जो सफाई कर्मचारी हैं उनको परमानेंट कर देंगे, सफाई कर्मचारी नई दिल्ली विधानसभा में भी इंतजार। लेकिन आपने उनसे सीखा भी, आपने जब उन्होंने कहा कि बिजली पानी फ्री दे देंगे तो आप कहते थे बिजली पानी फ्री दे देंगे, अब आप भी तो कह रहे हैं कि स्कूटी दे देंगे, साइकिल दे देंगे, आपने भी कहा, सीखा तो आपने उनसे? नहीं नहीं, हमने कहा, हम तो उनसे पहले 5 लाख रुपया का फ्री इलाज हमने पूरे देश के लोगों को दिया, गरीबों को समर्पित है सरकार हमारी। हम लोगों ने 13 करोड़ घरों में टॉयलेट बना दिया, एक पैसा नहीं लिया घरों से किसी गरीब व्यक्ति से। हम लोगों ने इस देश के लगभग 9.5 करोड़ घरों में फ्री गैस कनेक्शन दे दिया प्रतीक भैया, और ये क्या देते हैं? तो आप आगे हैं उनसे फ्री के मामले में, आप उनसे आगे हैं?
नहीं, गरीबों के लिए सरकार को खड़ा होना ही चाहिए, योजना के साथ खड़ा होना चाहिए। इस बात को तो मानते हैं कि बिजली पानी इसके मतलब ठीक थी? नहीं, उन्होंने तो धोखा दिया। कहाँ किया? बिजली पानी फ्री दी उन्होंने कहा? नहीं नहीं, वो अरे तो यूनिट बिजली फ्री दी। वो मेरा बिजली का बिल किधर है यार? आपका बिजली का बिल? ये लो बिजली का बिल पढ़ो। ये आपका है? हाँ पढ़िए इसको। अरे आप तो एमपी हैं। नहीं ये मिस्टर राम का है। यहाँ पढ़िए कितना यूनिट कितना कंज्यूम है। 39 यूनिट। और कितने का बिल है? 390। ये क्या से हुआ? ये किसको झूठ का पाठ पढ़ा रहे हो? उसमें और पिछवा वाला पनवा पढ़िए ना। पिछवा वाला पढ़िए, यहां पढ़िए।